75 शतक 24,000 से ज्यादा कुल इंटरनेशनल रन, WTC फाइनल में फ्लॉप, किस बात के किंग विराट, इंस्टाग्राम स्टोरी से जीत लेंगे टीम इंडिया के लिए ट्रॉफी, एक ही गलती बार बार बड़े मुकाबले में क्यों दोहराई जाती, वनडे टेस्ट T20 तीनों फॉर्मेट में दुनिया के सबसे दिग्गज बल्लेबाज हैं विराट कोहली, टेस्ट में 8,000 से ज्यादा रन है, वनडे में 12,000 से ज्यादा, T20 में 4,000 से ज्यादा रन, कुल मिलाकर शतक लगा दिए 75। कहा जा रहा है कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ डालेंगे किंग कोहली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक ट्रॉफी अपने दम पर टीम इंडिया को जिता पाएंगे। आपको बता दें कि यह सवाल उस वक्त और ज्यादा उठने लगा जब WTC के फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के सामने करारी हार मिली और विराट कोहली एक बार फिर से फ्लॉप रहे, जिसके बाद तो भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने विराट कोहली से लेकर चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा सबकी खिंचाई की। सुनील गावस्कर ने कहा, बल्लेबाजी बहुत ही खराब रही, आखिरी दिन तो बिल्कुल शर्मनाक प्रदर्शन था, खासकर शॉट्स का सिलेक्शन, चेतेश्वर पुजारा ने बेहद खराब शॉट खेले, जबकि उससे इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, शायद कोई उसके दिमाग में घुसकर स्ट्राइक रेट चिल्ला रहा होगा, एक सेशन भी आप नहीं खेल सके, एक सेशन में 8 विकेट, कोहली का शॉट बहुत ही औसत शॉट था, ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद वो तब तक छोड़ रहा था, शायद उसे लगा कि अर्धशतक पूरा करने के लिए 1 रन चाहिए। जब आप किसी अचीवमेंट के करीब होते हैं तो ऐसा होता है, ये खराब शॉट था, कोहली से इसके बारे में पूछा जाना चाहिए, वो इतना बोलता रहता है कि मैच जीतने के लिए लंबी पारी की जरूरत होती है, आप कैसे लंबी पारी खेलेंगे जब ऑफ स्टंप से इतनी बार जाती गेंद खेलोगे। गौरतलब है कि 444 रनों के टारगेट का पीछा जब टीम इंडिया कर रही थी तब विराट कोहली ने 49 के निजी स्कोर पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को खेलने की कोशिश की, जो कि उनके बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े स्टीवन स्मिथ के हाथों में जाकर समा गई और इसी के साथ टूट गई भारतीय टीम की उम्मीद भी, जिसके बाद सुनील गावस्कर को गुस्सा आ गया और उन्होंने विराट कोहली की क्लास लगा दी। इसके अलावा भी उन्होंने जडेजा और अजिंक्य रहाणे के शॉट पर भी सवाल उठाए। गौरतलब है कि फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को शर्मनाक हार मिली, टीम इंडिया की लगातार दूसरे फाइनल में हार रही, पिछली बार 2021 न्यूजीलैंड ने WTC के फाइनल में भारतीय टीम को मात दी थी और अब के ऑस्ट्रेलिया ने यह कारनामा किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 469 रन बनाए, स्मिथ ने 121 और हेड ने 163 रन की पारी खेली, सिराज ने 4, शमी ठाकुर ने पहली पारी में 1-1 विकेट झटका। टीम इंडिया पहली पारी में 296 रनों पर ऑल आउट हो गई, रहाणे ने 89, ठाकुर ने 51, जडेजा ने 48 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के लिए कमिंस ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 270 रन बनाकर पारी घोषित की, एलेक्स कैरी ने 66 रनों की शानदार पारी खेली। इस तरीके से टीम इंडिया को 444 रनों का बड़ा टारगेट मिला। भारतीय टीम 234 रन पर ऑल आउट हो गए, विराट ने 49, रहाणे ने 46 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया के लिए लॉयर ने 4, बोलेंड ने 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने 209 रनों से जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की, ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत की इसी हार के बाद पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, उन्होंने विराट कोहली के साथ साथ पूरी टीम इंडिया की जमकर क्लास लगाई। ऐसे में आपका गावस्कर के इस बयान पर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट कर अपनी राय बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।